दोस्तों, बजरंगबली के भक्त देश के कोने कोने में फैले हैं। गरीब से लेकर अमीर, हर कोई उनका भक्त है। हनुमान जी के कई मंदिर तो ऐसे हैं जहां करोड़ों का दान तक चढ़ाया जाता है। परंतु दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भगवान को करोड़ों का दान चढ़ाना चाहिए? क्या वे इस चढ़ावे के भूखे हैं या फिर अपने भक्त की भक्ति की? दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो एक राजस्थान के गांव में घटी। रमेश जी बताते हैं कि मेरे गांव में लगभग हर परिवार पैसों से संपन्न है, परंतु मेरी स्थिति ठीक उसके विपरीत है। मैं सारे दिन मजदूरी करता तो हूँ, परंतु बस मुझे कुछ पैसे ही मिल पाते हैं जिससे मैं ढंग से अपना घर भी नहीं चला पाता। कभी कभी तो ऐसी स्थिति भी हो जाती है कि अगर मुझे एक दिन भी काम ना मिले तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मरने की नौबत में आ जाते हैं। दोस्तों, हमारे गांव में बजरंगबली का बहुत ही भव्य और विशाल मंदिर है। क्योंकि गांव के सभी लोग धन से संपन्न हैं तो मंदिर में चढ़ावे की भी कमी नहीं रहती। कुछ बड़े लोग तो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भी मंदिर में बढ़ चढ़ कर दान करते हैं। रमेश जी बताते हैं कि एक दिन उनकी पत्नी को बहुत तेज पेट में दर्द होता है। वह तुरंत काम छोड़कर पहुंचे और अपनी बीवी को हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि मेरी बीवी के पेट में इन्फेक्शन फैल गया है जो अब दर्द का कारण बन रहा है। डॉक्टर ने कहा कि अगर इस इन्फेक्शन को निकालना है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना आपकी बीवी की ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। मैं डॉक्टर का इशारा समझ गया था, परंतु ऑपरेशन की फीस सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। करीब 1 लाख से भी अधिक का खर्चा था और कहां मैं मजदूर सिर्फ एक दिन के खाने पीने के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे जुटा पाता था। मेरी पत्नी मेरी आंखों के सामने दर्द से तड़प रही थी, पर वो उस दर्द को छुपाने का प्रयास कर रही थी और मैं जानता था कि वह मुझे परेशान नहीं करना चाहती। मेरी आंखें उस समय नम हो गई थी, कितना असहाय था मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, पर क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बीवी को हॉस्पिटल में रख मैं भगवान हनुमान जी के मंदिर की तरफ भागा और हनुमान जी के सामने रोते हुए बोला, आखिर क्यों तुमने मुझे ये ज़िंदगी दी है? तुम्हारे पास तो लाखों करोड़ों का चढ़ावा आता है जबकि तुम्हें उन चढ़ावे की ज़रूरत भी नहीं। वहीं मैं सिर्फ 1 लाख के लिए दर दर भटक रहा हूँ, वो भी एक ज़िंदगी बचाने के लिए। और वो फिर से रोने लगता है। तभी रमेश जी देखते हैं कि भगवान हनुमान जी की उस बड़ी प्रतिमा के पैर से कुछ लिफाफा सा गिरता है। जब वे उसे उठाते हैं तो उसमें करीब 70 से 80 लाख रुपए के बीच का चढ़ावा होता है। परंतु रमेश उस चढ़ावे को वापस हनुमान जी के चरणों में रख मंदिर से जैसे ही बाहर की तरफ जा रहे होते हैं तो पता नहीं उनके दिमाग में ऐसा क्या आता है कि वे उस लिफाफे से सिर्फ 1 लाख रुपये, जो कि उनकी पत्नी के इलाज के लिए काफ़ी थे, उस चढ़ावे से ले लेते हैं। उन्होंने उन पैसों से अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराया। अब उनकी पत्नी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, पर उन्हें यह बात खाई जा रही थी कि उन्हें मंदिर से चोरी नहीं करनी चाहिए थी। और दिन रात उन्होंने मेहनत करी और करीब 6 महीने में 60,000 रुपये उन्होंने जोड़ लिए। और वे उन रुपयों को मंदिर में चढ़ाने के लिए जैसे ही जा रहे थे तो मंदिर में उनको पुजारियों ने रोका और कहा, रमेश, तुम इतने सारे पैसे मंदिर में क्यों चढ़ा रहे हो? तुम तो वैसे ही गरीब हो, इन पैसों से तुम अपना नया धंधा खोल सकते हो और अपने परिवार को बेहतर ज़िंदगी दे सकते हो। रमेश ने तब एक क्षण को सोचा कि सारे जगत को चलाने वाले हनुमान जी, उन्हें इन मामूली पैसों का क्या मोह। उन्हें पुजारी जी की बात एकदम सही लगी और उन्होंने उन पैसों से सब्जी का ठेला लगाना शुरू किया। और आज रमेश जी भी एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। परंतु दोस्तों, आज भी वह इस असमंजस में रहते हैं कि क्या उस दिन उन्होंने मंदिर से जो पैसे लिए थे वे क्या अपराध की श्रेणी में आते हैं? क्या उन्हें पैसे लौटा देने चाहिए थे? आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।